हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सिखाया था कि कैसे आउटलाइन ड्रॉ करें, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर उस वीडियो पर 50 लाइक कर दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो शेडिंग के ऊपर बनाऊंगा। आप लोगों ने वो कर दिखाया, उस वीडियो पर 50 प्लस लाइक है। कि सो मच गाइस इतना प्यार दिखाने के लिए। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे शेडिंग करते हैं। मुझे लगता है कि 90% ड्राइंग शेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फेस पर शेडिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज ये वीडियो शेडिंग के ऊपर होने वाली, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो रेफरेंस फ़ोटोग्राफ लेते हैं वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, उसमें ज़्यादा शेडिंग नहीं होनी चाहिए और डिटेल वर्क भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बिगिनर हैं और उसमें जो रियलिस्टिक वर्क हैं और बहुत सारे डिटेलिंग वर्क हैं वो अगर होंगे तो आपसे वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी रेफरेंस फ़ोटोग्राफ लेते हैं वो बहुत ही सिंपल लेना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है ऋतिक रोशन का फ़ोटोग्राफ, उसमें देख लो ज़्यादा शेडिंग नहीं है, सिर्फ आइस नोज़ और माउथ पर थोड़ी शेडिंग है, उसके अलावा ज़्यादा शेडिंग नहीं है। और इस फ़ोटोग्राफ को देख लो, इस फ़ोटोग्राफ में फेस पर बहुत डिटेलिंग वर्क है। अगर ऐसा फ़ोटोग्राफ आप रेफरेंस में यूज़ करते हो तो आपको ये शेडिंग, आपसे ये शेडिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जब रेफरेंस फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो बहुत ही सिंपल सा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर पहले से आउटलाइन बना कर रखी है। मैंने आउटलाइन बनाने के लिए 0.5 मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है। सबसे पहले मैं आई से स्टार्ट करने वाला हूँ, और आई को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर ये कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आई के ऊपर जो भी डार्क एरियाज हैं उसको मैं फिल करने के लिए कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ करूँगा। आपको भी यही ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पर डार्क शेडिंग है, कहाँ पर लाइट शेडिंग है। जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहीं पर ही करना, और लाइट शेडिंग है उसको ऐसे ही छोड़ना। अब मैं आई के चारों तरफ शेडिंग करने वाला हूँ, और वो शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ग्राफाइट की 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बेसिक शेडिंग सिखा रहा हूँ, कुछ रियलिस्टिक ये शेडिंग नहीं है। आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है, जहाँ पर डार्क एरियाज हैं वहीं पर ही शेडिंग करें। पर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोज़ के नीचे डार्क एरिया है। डार्क एरियाज में मैं यहाँ पर 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा। आपको यही ध्यान में रखते हुए काम करना है, जहाँ पर भी डार्क शेडिंग है वहाँ पर ज़्यादा ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करें। ऐसे ही मेथड मैं पूरे फेस पर अप्लाई करूँगा। शेडिंग करते वक्त आप लोग आराम से शेडिंग करें, ज़्यादा जल्दी जल्दी ना करें, नहीं तो आपका पोर्ट्रेट खराब हो सकता है। फर्स्ट लेयर कुछ इस तरीके से बन चुके हैं, कुछ रफ सी दिख रहे हैं। अब मैं इसको ब्लेंड करूंगा ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करके,
फिर आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने शेडिंग किया है उसी डायरेक्शन में आपको ब्रश घिसना है और अपने आप ब्लेंड हो जाएगा। देख लो गाइस कितना स्मूथ टेक्सचर आ चुका है। अब मैं इसको जहाँ पर भी और डार्क एरियाज हैं उसको और डार्क करने के लिए मैं पहले 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा और फिर मैं 10B पेंसिल का, ऐसे ज़्यादा ग्रेड का पेंसिल को यूज़ करके मैं और भी उसको डार्क करूँगा। तो आपको भी वही करना होगा। शेडिंग करना बहुत ही आसान है गाइस। मैंने इस वीडियो को अप किया है टाइम लैप्स। आप चाहे तो इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके एक एक फिगर को अच्छी तरीके से देखकर आप ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी थी इसलिए मैंने इसको टाइम लैप्स किया है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज रखी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। बेयर ड्रॉ करते वक्त आपको क्या करना होगा कि पहले कम ग्रेड को पेंसिल का यूज़ करके पहले बेस को शेडिंग करें, फिर ज़्यादा ग्रेड का पेंसिल का यूज़ करके जैसा हेयर की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाकर बेयर को ड्रॉ करें। इसी मेथड को आप हेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, कितना स्मूथ टेक्सचर आ चुका है और कितने अच्छी तरीके से बन चुका है आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही आप शेडिंग करके किसी भी पोर्ट्रेट या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक 3D लुक दे सकते हैं। आपको शेडिंग करते वक्त स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करना होगा, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसा कर करके शेडिंग को कम्प्लीट करना। आप चाहें तो इसको और भी एक लेयर एड करके इसको और भी रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जब भी अपना ड्राइंग इंस्टा पर पोस्ट करते हो तो मुझे उसमें टैग करना, मैं आप लोगों की ड्राइंग देख लूँगा। यहाँ पर मेरी आईडी दिख रही होंगी। जो भी हमारे बिगिनर आर्टिस्ट हैं या फिर जो नए आर्टिस्ट हैं जिनको शेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि रेफरेंस फोटोग्राफ में डार्क एरियाज को देख कर उसी डायरेक्शन में पेंसिल को टेढ़ी करके बस डायरेक्शन में घिसना है और उसके ऊपर ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल करना है। फिर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से शेडिंग होगी। तो फ्रेंड्स देखने से ये कुछ भी नहीं होगा, आपको ये ट्राई करना होगा। तो आप ट्राई करके मुझे इंस्टा पर टैग करना, फिर मैं आप लोगों की वो ड्राइंग देख लूँगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो किसी भी तरह का डाउट हो या फिर आपको और किसी भी तरह की ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।